Good morning, my dear students. A very good day to all of you. I, Chitranchi Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation, I am here to teach you all science and technology. So, our chapter, Natural Environment, aaj hum padhenge biotic community kise kehte hain. Biotic community hoti kya hai? So, bachon, jo bhi living components hain, hamari biotic components, jo living components hain, वो हमारी जब एक कम्युनिटी में रहते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर के तो वो एक बायोटिक कम्युनिटी बनाते हैं. ओके तो बायोटिक कम्युनिटी में बेसिकली हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं. आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स और सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं. ऑटोट्रॉफ्स में ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक, और ट्रॉफ्स का मतलब होता है फीडर, मतलब जो अपने आप को खुद फीड कर रहे हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक. इन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं और ये एक्चुअली में प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं और सिर्फ अपना ही नहीं बना रहे, दूसरों के लिए भी बना रहे, ठीक है. ओके देन आते हैं हेटरोट्रॉफ्स. हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, हेट्रो का मतलब होता है अदर एंड ट्रॉफ्स अगैन फीडर. ओके तो जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है, जो दूसरों को फीड कर रहे हैं, है ना, हम उन्हें बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स और हम इन्हें कंज्यूमर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये और खाना जो प्लांट्स ने बनाया है सनलाइट का यूज़ करके और जो रूट्स ने उनके मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब किया है एंड देन जो स्टोमाटा की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है इससे वो अपना खाना बना रहे हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है. तो उसको, उन प्लांट्स को हेटरोट्रॉफ्स कंज्यूम कर रहे हैं, हम उन्हें कह रहे हैं कंज्यूमर्स, ठीक. अच्छा, कंज्यूमर्स दो तरह के होते हैं, एक तो हो गए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हो गए हमारे हर्बीवोर्स. क्या हो गए? हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं जैसे कि डियर, जेब्रा, जिराफ एक्सेट्रा, ठीक, हर्बीवोर्स एनिमल्स हो गए. ओके देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा जाते हैं, ठीक, जैसे कि हमारे कार्निवोर्स, ठीक, फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड, ठीक है. तो ये हो गए हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कार्निवोर्स. इसी में हमारे आते हैं ओमनीवोर्स जो कि सेकेंडरी में ही आते हैं. ये भी क्या करते हैं, ये प्लांट्स को भी खा सकते हैं, मतलब हर्बीवोर्स भी होते हैं ये और कार्निवोर्स दोनों होते हैं, ये प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं ओमनीवोर्स. ठीक, फॉर एग्जांपल आपका आता है बियर, मंकी, ठीक है, ये हमारे ओमनीवोर्स होते हैं, ठीक. Human beings also. Okay. Now, third type की जो हमारी biotic community में जो हमारा component है, that those are saprotrophs. Saprotrophs में sapro का मतलब होता है rotten. And trophs is feeder. तो जो rotten को feed कर रहे हैं हम उन्हें saprotrophs कहते हैं. ठीक, अच्छा, सैप्रोट्रॉफ्स को हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं. एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग बच्चों कि सैप्रोट्रॉफ्स हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी किसी भी बायोटिक कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सैप्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं, ये कंज्यूम करते हैं डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को, ठीक है, और उनकी बॉडी के जो कॉम्प्लेक्स मटीरियल है जो डेड हो गए हैं उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं और वापस ही वो एनवायरमेंट में चले जाते हैं, ठीक है. तो जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स हैं ये क्योंकि उनको कंज्यूम करके उसको वापस उनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सॉल्यूबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में वापस चले जा रहे हैं, तो इससे ये क्या कर रहे हैं, ये सारे डेड और डिकेइंग मैटर को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं. अगर सैप्रोट्रॉफ्स नहीं हो किसी भी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऐसा इमेजिन करो कि कहीं पर ही सैप्रोट्रॉफ्स और ये ना हो, डिकम्पोजर्स नहीं होंगे, तो क्या होगा, पाइल ऑफ डेड बॉडीज एंड पाइल ऑफ डेड प्लांट्स होंगे वहाँ पर, है ना, एक ढेर लग जाएगा.
ठीक है, मरेंगे ही नहीं, मतलब जो मर जाए मर गए हैं वो डिकम्पोज ही नहीं होंगे, तो फिर तो गंदगी पड़ी रहेगी ना, है ना. तो डिकम्पोजर्स आर वेरी इन्वायरमेंट, और इन ये यूजफुल हैं क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं. ठीक है, तो डिकम्पोजर्स इसमें कुछ बैक्टीरियाज एंड फंगाई आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजर्स. ठीक है, तो इस तरह से हमारा इन्वायरमेंट क्लीन रहता है. ओके, अब मैं आप लोगों के लिए एक चार्ट बना रही हूँ, उस चार्ट को देखिए. ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाया है जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा है, ये वही है चार्ट के फॉर्म में. ओके, अब आप लोग इस चार्ट को अपनी कॉपीज में ड्रॉ कर लीजिएगा. ठीक है, देखिए इस चार्ट में मैंने क्या बताए हैं आप लोगों को, मेंबर्स ऑफ अ बायोटिक कम्युनिटी बताए हैं. कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो सबसे पहले हमारे मेंबर्स हैं ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स एंड सैप्रोट्रॉफ्स. ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है सेल्फ फीडर. इसके एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑटोट्रॉफ्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं. ठीक है, देन हेटरोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स मतलब, हेट्रो मतलब अदर, फीडर जो हमारे दूसरों को खाते हैं, दोज आर हेटरोट्रॉफ्स, और ये होते हैं कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स हमारे तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टेरिटरी कंज्यूमर्स. ओके, प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब जो हमारे हर्बीवोर्स एनिमल होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं, प्लांट्स को फीड करते हैं. एग्जाम्पल्स हो गए काओ, शीप, डियर. ओके, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कि प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक, जो हमारे उन एनिमल्स को खाते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि फ्रॉग, पिकॉक. ओके, देन टेरिटरी कंज्यूमर्स, टेरिटरी कंज्यूमर्स यानी कि सेकेंडरी एंड टेरिटरी कार्निवोर्स, जो उन एनिमल्स को भी खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, और उन एनिमल्स को भी खाते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लायन एंड टाइगर. अब लायन जो है वो शीप, डियर और काओ में से भी कोई भी मिल जाएगा, उसको भी खा लेगा, एंड पिकॉक को भी खा सकता है. ठीक है, तो दीज आर द टेरिटरी कंज्यूमर्स. देन हमारा जो थर्ड मेंबर है हमारी कम्युनिटी के, वो है सैप्रोट्रॉफ्स. ये होते हैं कुछ बैक्टीरिया एंड फंगाई, इनके एग्जाम्पल्स हैं, एंड सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं हमारे डिकम्पोजर्स. ओके, तो स्टूडेंट्स इस टेबल को आपकी अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, सो दैट यू विल बी एबल टू लर्न ईजिली द मेंबर्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी. ओके, थैंक यू.